चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे अपने आंदोलन व अनशन को समाप्त किए जाने के बाद अधिकारियों के कहने पर अपने दस्तावेज जमा करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व अनशन पर बैठे हुए थे, जिसमें अधिकारियों के द्वारा हुए मध्यस्थता से बातचीत के बाद अनशन तोड़ कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कराए जाने की बात कही। इसी कड़ी में बुधवार को चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदूर दुर्ग के समस्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना दस्तावेज जमा कराया। इस संबंध में मीडिया के समक्ष कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग यहाँ पे आज शासन प्रशासन से बात हुई, हम लोग 6 दिन पे अनशन में बैठे थे। 2 तारीख को शुरू हुआ है हमारा अनशन, 2 तारीख को हम लोग को क्या बोलते हैं सरकार से बातचीत के लिए हमारे साथी अनशन में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आज हम लोग को दो दिन का मोहलत दिया गया था कि हमें दस्तावेज जमा किए गए कि हम लोग आज जमा किए हैं, और सरकार से यह अपेक्षा है कि हमें वहाँ पे रोजी रोटी और रोजगार दे, और यह हमारा हक है। और जो सरकार जहाँ पे रोजगार देती है वहीं पे हम लोग का रोजगार छीनेगी, तो यह बहुत गलत होगा और हमें रोजगार दे वहाँ पे। हम लोग लगभग 2 तारीख से लगातार हम लोग 6 तारीख तक 7 तारीख तक अनशन पे बैठे थे चंदूलाल चंद्राकर गेट के सामने। उसको लेकर के जिला प्रशासन सक्रिय होकर के एक बातचीत करने की बात कही, और हम लोगों ने बातचीत किया। मीटिंग में नुपुर पन्ना रासी एडीएम महोदय जी और मुकेश रावटे से लेकर सभी जिला प्रशासन के लोग थे। उसमें समझौता हुआ, उसमें लिखित में समझौता हुआ, और ये कहा गया कि ये चंदूलाल चंद्राकर में जो भी भूतपूर्व कर्मचारी है वो यहीं पर काम करते थे, इनको सिविलियन के लिए जो भी सरकारी नौकरी के लिए ऊपर आदेश के लिए भेजा जाएगा, ऊपर प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा, तो आप लोग दस्तावेज दे दीजिए। तो हम लोग पूरी तरीके से दस्तावेज लेकर आए थे, और आज दस्तावेज हम लोगों ने जमा कर दिया है। अब देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके अगर ये प्रक्रिया जारी रहेगा तो अच्छा, नहीं तो वरना फिर से पुनः उस तरीके से आंदोलन की जाने। हमारा मांग है कि जो चंदूलाल चंद्राकर को अधिग्रहण किया गया सरकार ने, वहाँ पर पुनः हमको शासकीय नौकरी पे सिविलियन पे रखा जाए, और ये इतिहास में बहुत जगह हुआ है, और हमको आशा है कि हमको रखा जाएगा और रखना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है तो और दूसरे तरफ रोजगार को बेरोजगार करने की बात करेगी, ये तो गलत होगा। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।